अगर आप अपने बच्चों को डायपर चुड़वाना चाहती हैं, बच्चों को सक्सेसफुली पूरी ट्रेनिंग पे लाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तूनख्वा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये सब शेयर करूंगी कि 6 महीने के बाद से मैंने अपने बच्चों के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो किए बच्चों को पोटी पिलाने के लिए। सेकेंडली, पोटी पिलाने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि वो दिन में 1 या 2 दफ़ा ही करते हैं, लेकिन पीछी पिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 1 साल तक बच्चों को डायपर हम किस तरीके से छुड़वा सकते हैं, मैंने अपने बच्चों को 1 साल में पोटी ट्रेनिंग दी, यानी बच्चा पोटी मुझसे पूछ के करने लगा। सेकेंडली, 1.5 साल का जब बच्चा हुआ, बच्चे को पीछी ट्रेनिंग भी मैंने करवाई। पीछी ट्रेनिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसमें ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन सक्सेसफुली करवा सकते हैं, डायपर छुड़वा सकते हैं। तो ये वीडियो उन माओं के लिए जो बच्चों को ट्रेन करना चाहती है पोटी और पीछी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले मैंने क्या किया, वो सब कुछ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने जब फर्स्ट बेबी पे मैंने तकरीबन 2.5 साल का था जब बच्चे को पोटी एंड पीशी का पता चला, लेकिन क्योंकि सेकंड बेबी जल्दी हो गया था, सो मैंने फर्स्ट बेबी को ट्रेनिंग नहीं दी थी। लेकिन सेकंड बेबी पे मैं एक्टिव थी, कोई प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं था, सो मैंने बच्चों पर काफ़ी सेकेंड बच्चे पर काफ़ी मेहनत की। 9th मंथ में मेरे सेकेंड बेबी ने चलना शुरू किया, सक्सेसफुली चलना शुरू किया। उसकी भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, चाहते हैं तो अगेन भी शेयर कर दूँगी, टिप्स शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से जल्दी चलना शुरू किया। लेकिन पोटी एंड पीशी पे मैंने डायपर छुड़वाना था जल्दी, तो मैंने उसके लिए क्या किया, जैसे ही बच्चा 6 मंथ के बाद हुआ, यानी 6 मंथ के बाद 7th मंथ का हुआ, तो बच्चा 7 मंथ के बाद थोड़ा थोड़ा सा बैठने लगता है। ऐसे तो नहीं बैठ सकता कि विदाउट सहारे के बैठे, क्योंकि बच्चा कभी कभी गिर जाता है, लेकिन बच्चा 6-7 मंथ में हल्का पुल्का सा टेक लगा के बैठता है। उस वक्त मैंने क्या किया, ये मैं आपके साथ प्रैक्टिकल वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने बच्चे के लिए बेबी पार्ट लिया और बेबी पार्ट के साथ साथ बच्चे को बेबी पार्ट पर बैठाती थी और उनके साथ मैं खुद भी बैठी रहती थी। पहले 1 दिन तो मैंने बच्चे को पकड़ा, 3rd डे बच्चा खुद बैठने लगा, लेकिन साथ ही मैं बैठी रहती थी क्योंकि कभी कभी बच्चा झटका खा के पीछे से गिर जाता था। सो ये वीडियो देखिए, उसकी ओरिजिनल साउंडिंग देखिए कि किस तरीके से मैं उनके साथ बैठी रहती थी, क्योंकि बच्चा बैठता नहीं था, उतरता था, तो मैं उसको इंगेज करने के लिए डिफरेंट किस्म की आवाज़ें निकालती थी ताकि उसकी पोटी निकल जाए। इस तरीके से बच्चा जब बैठ जाता है, तकरीबन 10 मिनट तक आप उनके साथ बैठ जाएं, तो बच्चे की पोटी निकल आती है। और ये मुझे पता चलता था, मैंने पहले इस पे गौर करना शुरू किया कि किस तरीके से किस टाइम बच्चा पोटी करता है, तो मुझे पता चला कि डायपर में वो तकरीबन 10-11 बजे सुबह के टाइम पोटी करता है। सो मैं अगर 11 बजे करता था तो मैं बच्चे को 10 बजे बिठा देती थी। इस तरीके से आपको अपने बच्चे के पोटी की टाइमिंग पता हो तो उससे 1 घंटा पहले बच्चे को बिठाया करें और थोड़ा सा होल्ड रखा करें, क्योंकि बच्चा की पोटी निकल आती है तकरीबन 10-15 मिनट में। सो वहीं पे उनके साथ बैठा करें। पहले मैं रूम में बिठाती थी बच्चे को, क्योंकि बच्चे के साथ मुझे बैठना होता था, काफ़ी टाइम बैठना होता था, तो वॉशरूम में मैं इतनी नहीं बैठ सकती थी। सेकेंडली, मैं आपको सेकेंड स्टेप जो मैंने फॉलो किया तो वो ये कि बच्चा जब खुद बैठने लगा, मुझे लगा कि बच्चा खुद बैठ सकता है पॉट पे, मतलब मैं बिठाती थी लेकिन वो उसी पे स्टिक हुआ होता है, मतलब उठता नहीं है मेरी आवाज़ पे। जब मैं कहती हूँ कि बैठ जाओ तो वो बैठा ही रहता है, उठता नहीं है। तो मैं बच्चों को बाहर से देखती थी, वो वॉशरूम में बैठा रहता था। इसकी पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, ये वॉशरूम में बैठा रहता था पॉट पे, और मैं सिर्फ बाहर बैठ के, बाहर किसी चेयर किसी चीज़ पर बैठ के उनको सिर्फ देखती रहती थी। अगर वो उठने की कोशिश करता तो मैं डायरेक्ट आवाज़ देती कि नहीं उठो, तो वो बैठ जाता था। और मुझे इस तरह पता चलता है, जब बच्चा ज़ोर करता है ना, जब बच्चा ज़ोर करने लगता है तो पता चल जाता है कि बच्चे ने निकाल दिया है, अब साफ़ करना चाहिए। सो बंदा चेक कर देता है, ज़्यादा निकाला कम निकाला, तो साफ़ कर लेता है। 3rd पे जब कभी कभी बच्चा बेवक्त, बहुत ज़्यादा कहा कि बेवक्त पोटी करता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, समटाइम्स बच्चा एक कोने में, एक साइड पे खड़ा हो जाता है, खामोश हो जाता है और अपने साथ तो हल्का पुल्का सा जोर करने लगता है, तो समझ जाए बच्चा निकालने वाला है, जाके उनको पार्ट पे बिठाए या वॉशरूम में लेके जाए, कुछ भी करे, लेकिन बच्चा उस टाइम करने वाला होता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है। 4th टिप ये है कि अपने बच्चों को बताए, फ्रंट पे हाथ रख के बताए ये आपकी पीशी है, बैक पे हाथ रख के बताए ये आपकी पोटी है। तो बच्चा जब भी थोड़ा सा समझने लगता है तो आपको हाथ रख के, पीछे हाथ रख के, जैसे मुझे पीछे हाथ रख के बता देता है पोटी,
तो आगे हाथ रख के बता देता है पिची, ये बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बेटा जब वन ईयर का हुआ तो तकरीबन वन ईयर का हो चुका था कि वो मुझे बताने लगा पिची और पोटी, उसमें वो हाथ रख के मुझे बताने लगा आगे पीछे। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि नेक्स्ट पे मैंने उसको बेबी पार्ट छुड़वाया। मैं क्या करती थी, वॉशरूम में उनको कमोड के ऊपर, तो बच्चा टॉयलेट के ऊपर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन टॉयलेट के अपोजिट साइड पे इस तरीके से मैं उनको बिठाती थी। थोड़ा सा पहले होल्ड रखती थी, जब कुछ दिनों तक मैंने उनको होल्ड रखा तो तकरीबन बच्चा एक साल दो माह का हुआ तो वो खुद ही उस तरीके से बैठने लगा, आसानी से बैठने लगा। सिर्फ मैं उसकी पैंट निकालती थी, वो जाकर वॉशरूम में उतर आसानी से बैठने लगा। तो इस तरीके से मैंने बीबी को बेबी पार्ट भी छुड़वाया। इसके बाद अब बीबी को टॉयलेट पर कैसे लाई, बच्चा जब डेढ़ साल से ऊपर हुआ तो मैं कोशिश करती थी उनके पाँव खोल के, बहुत कोशिश की इस पे, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है जब बच्चा टॉयलेट पे बैठता है। तो मैंने बहुत कोशिश की और उसके पाँव खोल के टॉयलेट पे बिठाया और उसके हाथ मैं पकड़े रखती थी, या आगे जो नलका होता था मैं वो पकड़ने को कहती थी। तकरीबन बच्चा एक साल, तकरीबन दूसरा साल पूरा नहीं हुआ था कि बच्चा टॉयलेट पर बैठने भी सीख गया। अब मेरा बीबी दो साल से तकरीबन दो मंथ कम है, लेकिन टॉयलेट पर खुद ही बैठ जाता है। कभी कभी जब नींद में होता है तो गिरने लगता है, सो उस वक्त मुझे हैंड दे के, यानी हाथ हिला के कहता है कि मेरा हैंड पकड़े कि मैं टॉयलेट पे बैठ जाऊँ। सो इस तरीके से मैंने टॉयलेट की हैबिट बच्चे को डलवाई। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चे को पीशी पिलाना, क्योंकि हर वक्त पीशी और उसकी स्मेल और जो गीलापन है, सो ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को पीशी पिलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुली रिजल्ट दे सकती है। सो पहली चीज़, बच्चों को पीछे पिलाने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, यानी तकरीबन दो से तीन घंटे बाद आप बच्ची के पेंट निकालें और उनको वॉशरूम लेके जाएं, पार्ट पे बिठाना है, कमोड पे बिठाना है, जिस तरीके से आपने करवानी है, दो से तीन घंटे बाद आपने बच्चे को पेंट निकलवानी है। पहले जब मैं पीछे पे ला रही थी बच्चे को, तो रात को डायपर पहनाती थी, दिन के टाइम मैं पीछे पे ला रही थी, तो हर दो घंटे बाद मैं बच्चे से पूछती पीछे पीछे टच करके, उनका फ्रंट पार्ट टच करके बोलती थी पीछे करनी है पीछे करनी है। तो वो तकरीबन बच्चा एक साल से ऊपर हो चुका था, रिस्पॉन्स पहले नहीं करता था, हिस्सा हिस्सा से करने लगा नहीं या येस, तो मैं बच्चों को पीछे करवाती थी। अगर दो से तीन घंटे बाद बच्चा नहीं भी कहता तब भी मैं वॉशरूम ले जाके करवाती थी। कभी कभी आप बच्चों को कहो कि करो तब भी वो नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा जोर डालो उस पर कि करनी है आपने, और उधर बिठाए रखो तब कर भी लेता है। फिर जब दिन के टाइम बच्चे की आदत पड़ी मुझे पीछे कहने की, तो मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश थी कि मैं रात के टाइम भी डायपर छुड़वाऊँ, क्योंकि जब बच्चा रात को डायपर पहनता है और दिन को पीछे का बताता है तो अक्सर उनकी दिन की निकल भी जाती है। इसलिए रात को डायपर, कम्प्लीटली डायपर छुड़वाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने रात को भी डायपर बच्चे को छुड़वाया, और वो मैंने किस तरह छुड़वाया, जैसे बच्चा रात को 11 बजे सोता था, मैं 1 बजे या 2 बजे सोती थी, तो मेरे सोने से पहले मैं जल्दी से उठ के बच्चे को पीछे करवाती थी और फिर सो लेती थी। सेकेंडली बच्चे को मैं रात को बिल्कुल भी पानी नहीं देती थी, कोशिश करती थी कि मैं रात को 1 या 2 फीडर पिलाऊँ और उसके बाद बच्चे को तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा बाद पीछे करवाऊँ, उसके बाद उसको फीडर ना ही दूँ, क्योंकि बच्चे जितना दूध पीते या पानी पीते उतनी उनकी ज़्यादा निकलती है। एक और मेन पॉइंट कि मैंने हस्बैंड की भी सपोर्ट ली थी, सो अगर वो मुझसे पहले उठ जाते थे नींद में, मैंने उनको भी कहा था कि आप जब भी उठे तो बच्चे को उठाया करें पीछे के लिए, सो वो भी पीछे के लिए बच्चे को उठाते थे। सो मैंने ये रूटीन रखी, तीन से रात को दो से तीन घंटे बाद मैं या मेरे हस्बैंड बच्चों को उठाते थे पीछे के लिए। सुबह सवेरे जो भी पहले उठता था वो बच्चे को डायरेक्ट पीछे के लिए लेके जाता था। एक और बात बहुत ज़रूरी है आपने याद रखनी है, बच्चा जब भी दूध के लिए उठे, जब भी रोने लगे, पहली चीख मारता है, दूसरी चीख मारते वक्त चुप हो जाता है, उसने पीछे करनी होती है, वो डायरेक्ट बेड पे पीछे कर लेता है। सो बच्चा जब भी दूध के लिए उठे, पहली ही चीख मारे, उसको उठाओ, करो पीछे नहीं करो, पीछे नहीं करो, और वॉशरूम लेके भागो। इस तरह बच्चे फिर समझ जाते हैं और वो पीछे नहीं करते और वो वॉशरूम तक इसको होल्ड रखते हैं। बच्चा जाग जाता है तभी पीछे कर देता है, नींद में ऐसे नहीं करता, नींद में हल्का फुल्का जाग जाता है या करवट लेता है उसी टाइम ही करता है। सो बच्चों को पीछे की आदत डालने के लिए दिन रात आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेम्बर को भी बताएं कि इनको पीछे जब भी करनी हो आप उसको वॉशरूम लेके जाए, रात को आपने गोद में लेके जाना है, बच्चे को पीछे करवानी है, हर तीन से दो से तीन घंटे बाद आपने ज़रूर ये करना है। और ये जो रूटीन है ये आहिस्ता आहिस्ता से बच्चा जब एज बढ़ती है तो वो डेवलप हो जाती है, लेकिन शुरू से जब बच्चा साफ सुथरा आदि हो जाता है, उनको हल्की सी पीछे का दाना भी लगता है, कतरा भी लगता है, या थोड़ी सी गंद भी लगती है, तो फिर सफाई का आदि हो जाता है और आपको कहता है कि मेरे हैंड वॉश करो, मेरे फीट वॉश करो। सो ये रूटीन जो है अपने बच्चे में
बनाए। एक साल बाद तक तकरीबन 2 साल तक बच्चा खुद ही पैंट निकालता है, 2 साल का बच्चा खुद ही पैंट निकाल पाता है, हल्की फुल्की सी उलझन होती है लेकिन निकाल पाता है और पीछे भी सक्सेसफुली करने लग जाता है। पोटी भी खुद कमोड पे करने लगता है, कमोड पे बैठना, टॉयलेट पे बैठना भी बच्चा सीख जाता है। सो इस तरीके से फिर बच्चों को डायपर छुड़वाए। अक्सर माएँ बच्चों को 3-4 साल तक के बच्चों को डायपर पहनाती हैं। डायपर पहनाना कौन सी अच्छी आदत है, बच्चे को ये आदत डलवाएँ, थोड़ी सी मेहनत करें, तकरीबन 1.5-2 साल तक बच्चा आपका साफ़ सुथरा आदि होगा। उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो प्यार से कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जैसा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।